कामगारों को न्याय दिलाने और उनके हक के लिए लड़ने वाली संगठन विदर्भ प्रहार कामगार संगठन यह हमेशा से ही कामगारों की समस्या सुलझाने के लिए अग्रसर रही है। मनपा के कामगारों की समस्या की दखल लेते विदर्भ प्रहार कामगार संगठन अध्यक्ष एडवोकेट हर्ष चिपुनकर ने कामगारों को न्याय दिलाने संदर्भ में कामगारों के प्रति मनपा की अनास्था को बयां किया। उनका कहना है कि जब भी मनपा कार्यालय की ओर कामगारों की समस्या रखी जाती है तब उन्हें या तो नजरअंदाज किया जाता है या सिर्फ केवल आश्वासन दिए जाते हैं। मनपा आयुक्त को कामगारों के वेतन के संदर्भ में बीते दिनों विदर्भ प्रहार कामगार संगठन के माध्यम से कामगारों की समस्या का निवेदन आयुक्त को दिया गया। कॉन्ट्रैक्टर को कामगारों के पेमेंट के सिलसिले में उस निवेदन के माध्यम से आयुक्त ने 25 आदेशों से संबंधित एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। फिर मनपा ने कामगारों के पेमेंट का मुद्दा आम सभा में रखने का आश्वासन दिया। इस तरीके से इस प्रक्रिया को पूर्ण करते आखिरकार कामगारों की समस्या को नजरअंदाज किया गया है। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए यह सारे कामगार पानी पुरवठा योजना सफाई योजना से संबंधित है। यदि मनपा कामगारों के बारे में जल्द से जल्द कोई उचित निर्णय नहीं लेती है तो सारे कामगार कभी भी असहकारात्मक आंदोलन छेड़ेंगे, जिससे पानी हो या सफाई इन सारी दिक्कतों के लिए नागरिकों को जो परेशानी होगी उसके लिए जिम्मेदार मनपा रहेगी। ऐसी बात विदर्भ प्रहार कामगार संगठन अध्यक्ष एडवोकेट हर्षल चिपलुनकर ने इस समय कही। पिछली बार विदर्भ प्रहार कामगार संगठन के माध्यम से माननीय आयुक्त साहब को जो निवेदन दिया गया उस निवेदन के माध्यम से माननीय चंद्रपुर महानगर पालिका के आयुक्त साहब ने 25 आदेशों से संबंधित एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया कंत्राटदारों को कामगारों के पेमेंट के सिलसिले में। उसके बाद महानगर पालिका से हमें यह आश्वासन मिला था कि कामगारों के पेमेंट का मुद्दा आम सभा में रखा जाएगा, लेकिन बाद में अधिकारियों से ये भी जानकारी प्राप्त हुई कि कामगारों के पेमेंट के मुद्दे से संबंधित जो कोई भी ठहराव आम सभा में रखने के लिए माननीय महापौर मैडम इंटरेस्टेड नहीं है करके दूसरा मैसेज मिला। मुझे महत्वपूर्ण ये बात बतानी है सारे महानगर पालिका के नगर सेवक तथा बाकी सर्व प्रतिनिधियों से कि महानगर पालिका का कामकाज अगर चल रहा है तो कामगारों के बदौलत चल रहा है। अगर कामगारों की मांगों को वो अगर अनदेखा करेंगी तो शायद इसका हर्जा ना उनको आने वाले इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात मुझे ये कहनी है कि कामगारों की विविध समस्याओं के लिए हम जब महानगर पालिका कार्यालय में आते हैं तो बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं जो ऑफिस में रहते हुए भी अपने ऑफिस से निकलकर कहीं और जाके बैठते हैं ताकि ये सारे प्रश्न वैसे ही प्रलंबित रहे। और इन सारे माध्यम से ये प्रतीत होता है कि इन लोगों को कामगारों की समस्याएं सुलझाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना कोई उनको उसमें कोई रुचि है कि वो कामगारों की समस्या सुलझे। इस माध्यम से हमें सबको ये सूचित करना है कि सारे कामगारों ने ये निर्णय लिया है, ये सारे कामगार पानी पुरवठा योजना सफाई योजना इनसे संबंधित है। अगर महानगर पालिका इनके बारे में जल्द से जल्द उचित निर्णय नहीं लेती है तो ये सारे कामगार कभी भी असहकार आंदोलन छेड़ देंगे। फिर आगे की सारी बातें पानी के बारे में रहे या सफाई के बारे में रहे, उन सारी दिक्कतों के लिए जो पब्लिक को होने वाली है उसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार रहेगी महानगर पालिका प्रशासन।